नमस्कार दोस्तों, आप लोग के इस वीडियो में चिकनगुनिया का इलाज बता दिए हैं, साथ में घरेलू उपाय भी बता दिए हैं। दोस्तों चिकनगुनिया आखिर होता क्या है, चिकनगुनिया का लक्षण क्या है, यह हम आप लोग को पूरा क्लियर बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आपको चिकनगुनिया हुआ होगा ठीक है तो यह वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो के आप देख कर आसानी से घर पर ठीक कर सकते हैं चिकनगुनिया का। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा रहेगा कि आप किसी डॉक्टर से दिखा लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर डॉक्टर के पास आप नहीं जा रहे हैं तो आप जिसमें जो हम आपको मेडिसिन बताएं उसका आप लोग प्रयोग करिएगा, और प्लस में दोस्तों जो घरेलू उपाय बताए हैं उसके प्रयोग कर आप लोग आसानी से घर पर चिकनगुनिया का इलाज कर सकते हैं। लेकिन कब करिएगा, जब जानिएगा तब ना कि चिकनगुनिया क्या होता है, ठीक है, चिकनगुनिया का लक्षण क्या होता है। अगर आपको लक्षण दिखे तो तुरंत आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि चिकनगुनिया होता क्या है। देखिए दोस्तों चिकनगुनिया, चिकन मतलब क्या होता है दोस्तों, मुर्गा होता है, मुर्गा के ना चिकन कहते हैं। तो अधिकांश लोग जानता है कि हो सकता है कि चिकन की वजह से चिकनगुनिया होता होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। चिकनगुनिया जो है वह एक मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, वह मच्छर जो है ना दोस्तों आपको दिन में भेटाएगा, दोपहर में भेटाएगा और शाम को ज़्यादा भेटाता है। ठीक है, ये जो समय होता है ना, इस समय में अगर किसी व्यक्ति को मच्छर काटती है चिकनगुनिया वाला मच्छर, तो उस समय आपको आप क्या होगा कि चिकनगुनिया हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा आप लोग कि अगर स्वस्थ व्यक्ति हैं, अगर चिकनगुनिया वाले मरीज को कोई भी मच्छर काट लिया, अगर जाकर स्वस्थ व्यक्ति को काट ले रहा है तो उस व्यक्ति को भी चिकनगुनिया हो सकता है। ठीक है, यह कंफर्म है कि होता ही होता है, नहीं के बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप अभी आपको चिकनगुनिया वाला मच्छर काटा तो आपको 4-5 दिन के बाद लक्षण दिखाई देने लगती है। और दोस्तों कौन सा लक्षण दिखाई देने लगती है, तो यह जानने से पहले दोस्तों आप लोग से एक बात कह देना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको मदद जरूर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इसका लक्षण आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों इसका जो लक्षण है ना, सबसे मेन जो लक्षण है, तेज फीवर आएगा। इतना तेज फीवर आएगा ना दोस्तों कि सर में और पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाती है। ठीक है, और जब भी चिकनगुनिया किसी इंसान को पकड़ती है तो जोर जोर में दर्द होने लगती है, जोर जोर में। ठीक है, दर्द होने लगेगा, मांसपेशी में भी दर्द होने लगेगा, उल्टी की तरह पूरा मन होने लगेगा, बुखार को जैसे बुखार आएगा तो बहुत ज्यादा उल्टियां होने लगेगी, चक्कर आने लगेगा, थकान कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होने लगेगा, शरीर पर रेडनेस होने लगेगा। देखिए एकदम बुझाएगा फुंसी निकला है शरीर में, पूरा बॉडी में आपको रेडनेस दिखाई देने लगेगा शरीर पर। यह सब दोस्तों चिकनगुनिया का लक्षण होता है। दोस्तों अब इसका इलाज क्या होता है, डॉक्टर साहब लोग इलाज क्या करते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपको चिकनगुनिया के लक्षण दिखे जो हम आपको लक्षण बताए हैं, तो आप तुरंत जाके अपने लैब में जाके जांच करवा सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर से जाके आप दिखा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका जो मेन जो टेस्ट है, पहले लोग डॉक्टर साहब लोग टेस्ट करता है लोग CBC, जी हाँ कंप्लीट ब्लड काउंटेड होता है, वह चेक करता है लोग, उसमें प्लेटलेट देखता है लोग, इन्फेक्शन कितने ये भी देखता है। प्लेटलेट क्या होता है दोस्तों कि कम होने लगता है चिकनगुनिया में। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट कम होने लगेगा जिसकी वजह से आपका बुखार आने लगेगा, शरीर पर तरह के बैक्टीरिया हमला करने लगता है। और दोस्तों इसके अलावा चिकनगुनिया RNA और PCR टेस्ट जो होता है या बुखार आता है तो उस समय पॉजिटिव बताता है चिकनगुनिया में। दोस्तों इसके बाद चिकनगुनिया IgM एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो कि बुखार आने से 5 दिन बाद यह पॉजिटिव निगेटिव आपको बताने लगता है। ठीक है, तो दोस्तों यह टेस्ट आपको हो जाने के बाद पता चलता है कि डेंगू है कि नहीं है। ठीक है, और इसके बाद डॉक्टर साहब लोग अपना इलाज स्टार्ट कर देते हैं लोग। ठीक है, तो दोस्तों हमको इलाज हम बता दे रहे हैं, इसमें जो है दोस्तों प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन होती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई भी ब्लड पतला करने वाला मेडिसिन नहीं खाना है। ठीक है, जो मार्केट में आप लोग जाकर सर दर्द की दवा खाते हैं वो सब नहीं खाना है। तो फर्स्ट में आपको मेडिसिन बता दे रहे हैं कि कौन कौन से मेडिसिन आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर आपको लक्षण दिखे तब तुरंत अपना इलाज कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं, मेन बात है कि अगर आपको मान लीजिए कि वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, जब भी किसी इंसान को मच्छर काटता है तब, तो इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है जिसका नाम है Taxim 200 mg। इसको आप सुबह शाम खा सकते हैं मात्र 5 दिन तक, बहुत अच्छा मेडिसिन है। ठीक है, और इसके बाद आपको दर्द और बुखार ज़्यादा होता है तो आप पैरासीटामोल खा सकते हैं 6-50 mg। ठीक है, पैरासीटामोल में कौन सा डोलो 650 आता है, वह सुबह शाम खा सकते हैं, जब ज़रूरत जब पड़ता है तो आप 3 टाइम भी खा सकते हैं। ठीक है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं 5 दिन तक रेगुलर। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपको गैस बनाएगा, इसके लिए आपको Pentop DSR खा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि Pentoprazole Domperidone है जो कि नोजिया वोमिटिंग होता है उसको भी कंट्रोल करके रखेगा और पेट में
में गैस भी नहीं बनने देगा। दोस्तों शरीर में पूरा रेडनेस जब आ जाती है तो उसके लिए खूब बढ़िया मेडिसिन है जिसका नाम है लिवोसिट्राजिन 5 mg, कोई भी ले लीजिएगा, ये कॉम्पोजिशन बोर्ड है यार। रोज एक गोली रात के रात खाना है, ये भी 5 दिन तक खा लीजिए, इसके बाद स्थिति देखते अनुसार अपना आगे बढ़िएगा। और साथ में इलेक्ट्रो पाउडर, ठीक है, इलेक्ट्रो पाउडर आता है बहुत बढ़िया आता है जो कि स्किन पर दिख रहे हैं, ठीक है। इसको क्या करना है कि 1 लीटर बोतल में सुसुम पानी करवा लेना है और पूरा पानी सेरा जाएगा तो उसमें पूरा डाल देना है और दिन भर में इसको पी जाना है। दिन भर में यानी कि 2 बोतल आप पी जाइए, ठीक है, यानी कि 2 पैकेट ले लीजिए, उसमें डालकर आप पी जाइए, यानी कि 2 लीटर पानी कम से कम इलेक्ट्रो पाउडर वाला पी जाइएगा। वो एक बार में नहीं, यानी 10-10 मिनट पर एक ही 2 कूला आप पीते रहिए, यानी 2 बोतल कहूँगा पी जाइए, यानी कि 2 पैकेट, ठीक है, उसमें आप जरूर पी जाइएगा। ये दोस्तों हम लोग घरेलू उपाय कुछ जानते हैं। दोस्तों नारियल पानी, जी हाँ, नारियल पानी आप लोग देखे होंगे, नारियल पानी के यूज करने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और डेंगू में शरीर में पानी की कमी होने लगती है और प्लेटलेट को जो है जो कम होता है उसको बढ़ाकर रखने में भी काम करता है। तो नारियल के पानी में एमिनो एसिड मिलता है, पोटेशियम मिलता है, सोडियम मिलता है, जिस वजह से शरीर में जो होता है दोस्तों कि पानी की मात्रा अपना बढ़ा रहता है, पानी कम नहीं होती है। तो आप लोग नारियल का पानी का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों पपीते के पत्ते, जी हाँ, पपीते के पत्ता में बहुत ज़्यादा गुण होता है, ठीक है। तो पपीते के पत्ता को पीस लेना है और उसको क्या करना है कि 3 से 4 टाइम आपको पीना है। एक पत्ता ले लीजिए, एक पत्ता में आप सुबह पी लीजिए, फिर शाम को पी लीजिए, दोपहर में भी आप पी सकते हैं, यानी 3-4 टाइम आप पी लीजिएगा तो आपको प्लेटलेट जो है बढ़ जाएगा, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देगा और इन्फेक्शन बैक्टीरिया से मारने में भी पपीता के पत्ता बहुत अच्छा काम करती है और पेट में कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देगा, ठीक है। तो पपीता के पत्ते के भी आप सेवन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों लहसुन के आप नाम सुने होंगे, लहसुन जो है उसको क्या करना है कि लहसुन को पीस देना है, अगर ज्वाइंट में अगर दर्द है तो लहसुन के कूच कर उसमें हल्का तेल डलाकर और उसको क्या करेगा, लेप बना दीजिएगा, जहां दर्द है वहां पर लेप लगा दीजिए, इससे आपको दर्द में भी राहत देखने को मिलेगा। तुलसी जी के पत्ता आपको मिलेगा तो तुलसी जी के पत्ता को पानी में खौला दीजिए और उस पत्ते के साथ आप पूरा पी जाइए, ठीक है। और इसे पीने से आपको क्या होगा कि बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी और इसके बाद सब बैक्टीरिया को मारकर मिला देगा, ठीक है। तो तुलसी जी के पत्ते का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों हल्दी और दूध के भी आप लोग सेवन कर सकते हैं। हल्दी दूध के होता क्या है कि एंटी बैक्टीरिया और एंटी इंफ्लेमेशन में बहुत अच्छा काम करती है, तो यह जो है बुखार में भी अच्छा काम करेगा और दर्द होगा इसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी, प्लेटलेट के भी बढ़ाएगा, इसका भी आप लोग सेवन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार, अच्छा सा रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और पसंद जरूर करिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।